पोको F1 के लिए सियार ड्रोइड का लेटेस्ट अपडेट आ गया है एंड्रॉयड 13 का। पिछला रिव्यू जो है दिसंबर का ही किया था, बट ये भी जो है मेरा दिसंबर 30 दिसंबर का देखने को ये बिल्ड मिला है। और कुछ चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा जैसे कि इसके अंदर नहीं होते क्योंकि वीकली अपडेट्स आते हैं, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं। और पिछले वाले बिल्ड में ऑलरेडी बता दिया था कि जो पैरेलल स्पेस यानी कि डुअल ऐप या फिर ऐप क्लोन की बात करें वो ऐड हो चुका था। इस अपडेट में भी थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल बाकी क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि सियार ड्रोइड का ये ऑफिशियल 9.0 एंड्रॉयड 13 बेस्ड रोम है, सिक्योरिटी पे दिसंबर का ही मिलता है, पहले भी यही था। लेकिन कर्नल की अगर बात करें तो कर्नल सिल्वर कोर का 10.19 है, पिछले में 10.18 था जब लास्ट रिव्यू किया था अभी दिसंबर का ही। तो ये कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। वहीं अगर हम नेटवर्क एंड इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये अच्छे तरीके से आपका पहले जैसा ही काम कर रहा है, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर में भी आपका जो कास्ट है काम करेगा। और ऐप्स के अंदर यहाँ पे जो लॉन्चर है इसका, इसके अंदर एक चेंज देखने को मिल जाता है ऐप ड्रॉयर रीसेंट के अंदर में मेमोरी इन्फो, जो कि आपको रीसेंट पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली, तो मेमोरी इन्फो अब इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो ये बस एक चेंज आपको इसके लॉन्चर में देखने को मिल जाएगा, बाकी सब कुछ लॉन्चर में सेम ही रहेगा पहले जैसा ही, तो सिर्फ एक चेंज हुआ है। अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके बैटरी की तरफ, तो बैटरी में तो ऐसा कुछ चेंज नहीं मिला है, बैटरी यूजेस अच्छे से ऐड हो रहा है, सेटिंग्स सेम मिल जाती है। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी भी सेम ही है, पिछले में भी 87 था, इस बार भी 87 है 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद, तो बिल्कुल सेम बैटरी बैकअप रहने वाली है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। और फिर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पे जो मीडिया मिलता है, अब जैसे कि लेटेस्ट में मीडिया यहाँ पे ऐड हुआ है लेटेस्ट का, सो मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन भी ऐड कर दिया गया है। और जो मीडिया लेआउट है वो भी लेटेस्ट मिलेगा, और लेटेस्ट में आपको काफ़ी सारी रोम्स ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये जो एरो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। साथ ही साथ ऐसे जो दिस फोन पे अगर आप क्लिक करोगे तो एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं, बट वॉल्यूम स्लाइडर पे एनिमेशन जो है वो लैग आप जरूर यहाँ पे सभी एंड्रॉइड 13 पे लेटेस्ट वाले पे मीडिया लेआउट पे मिल रहा है, इसके अंदर भी उसी तरीके से ये मिल रहा है यहाँ पे। और कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ड्रैग साउंड पहले जैसा ही है, लेटेस्ट प्रीसेट्स नहीं है, और डिस्प्ले के अंदर में भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता, डिस्प्ले भी पहले जैसा ही रहने वाला है, डिस्प्ले के अंदर एक भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर में वॉलपेपर तो सेम अप्लाई मिलता है बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला शो कर रहा है, जबकि मैं चेंज कर रखा हूँ लेकिन यहाँ पे अभी भी जो डिफॉल्ट आता है वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से देखने को मिला है, बाकी तो ऐसा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है सेटिंग्स में, सेटिंग सारी पहले जैसी, एसपीलिटी सेम रहेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो उसे इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड रोम आता है, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ, और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल ही जाता है। सेटिंग में भी कोई चेंजेस अपडेट में नहीं हुआ है, और फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी जो है पहले के अपडेट में बताया था थोड़ा चेंज हुआ था, बट इस बार ऐसा कुछ चेंज नहीं है। फेस अनलॉक आईआर फेस अनलॉक बिल्कुल वर्किंग मिलता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। और नीचे फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है सियार ड्रॉइड के सेटिंग्स, तब यहाँ पे एक चेंज हुआ है, क्लॉक एंड डेट में जाओगे तो इसका जो बैकग्राउंड चिप मिलता है ये अब बिल्कुल परफेक्ट सेप में आपको मिलने वाला, देख सकते हो बिल्कुल क्लॉक के सेप में बिल्कुल परफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। पहले अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट पहले वाला पिछले वाला किस तरीके से था, ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छा किया गया, यहाँ पे परफेक्ट इसको फिक्स कर दिया गया है, तब इस तरीके से मिलेगा उसे। और सेटिंग में ऐसा कुछ चेंज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला सियार ड्रॉइड के, बस पैरेलल ऐप जो है पिछले में आपको बताया था इसके बारे में, यहाँ पे अगर आप देखोगे मिसलेनियस वाले सेक्शन में पैरेलल स्पेस जो है मिल जाता है, इसमें अलग अलग स्पेस बना सकते हो आप, 2 या 3 4 इस तरीके से ऐप क्लोन बना करके यूज़ कर पाओगे, यहाँ से न्यू स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। हालांकि सेटिंग्स अभी भी जो है ब्लैंक है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से स्पेस मैं क्रिएट करता हूँ अभी, जैसे कि कैमरे का क्रिएट किया, कैमरा मिल जाता है, हालांकि बाय डिफॉल्ट फाइल मैनेजर और प्ले स्टोर का आपको क्रिएट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे कि कैमरे का मैं किया हूँ बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से डायरेक्ट पूरा पूरा स्पेस आप रिमूव भी कर सकते हो, तो आप जो है ऐप क्लोन बोलो या डुअल ऐप ये यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में, पिछले बिल्ड में ही ये चीज़ के बारे में बता दिया था, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। अब यहाँ पे सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में भी वही सेम आपको लैंग्वेज मिलेंगी, जेस्चर के सेटिंग्स के अंदर में भी हमें ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता, अच्छे तरीके से काम कर रहा दोनों ही, चाहे फिर आप जेस्चर यूज करते हो या फिर बटन यूज़ करते हो, दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जेस्चर के अंदर भी किसी भी सेटिंग में कोई चेंज नहीं, अपडेटर मिल जाएगा, बाकी का हाइड नोच आपको डेवलपर ऑप्शन पे ही मिलेगा। वहीं एनिमेशन को लेकर के पिछले अपडेट में ही मैं बता दिया था कि पहले के जो बिल्ड्स हुआ करते थे उनके मुकाबले थोड़ा लैग बढ़ा सा है यहाँ पे,
थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलता है एनिमेशन में, यहाँ पे थोड़ा सा लैग मिलता है, बट ब्लूटूथ टाइल अभी नॉर्मल ही रहेगा और स्क्रॉल करने पे भी एनिमेशन लैग थोड़ा फील होने वाला है पहले के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा ज़रूर इसके अंदर बढ़ चुका है। और अगर हम टाइल्स की बात करें तो नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आने के बाद स्क्रीन शॉट और साउंड सर्च का जो टाइल है ये न्यू देखने को मिल जाता है, इसके अंदर ये न्यू ऐड हुआ है। वहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स पूरी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। और इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद में भी थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलता है, थोड़ा और लैग बढ़ जाता है, तो हल्का सा यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। वॉल्यूम पैनल सेम है, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। ऐप ओपनिंग की अगर बात करें तो ऐप ओपनिंग भी हालांकि सिमिलर ही है, इसमें उतना कुछ खास आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। कुछ हैवी एप्लीकेशन पे हल्का ज़रूर लैग मिलता बट उतना हैवी देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर हम कैमरा देखें तो अब जो ये इसके अंदर अपर्चर वाला कैमरा मिलता है बिल्कुल अपडेटेड है, अपडेट किया गया इस कैमरे को इस अपडेट के अंदर में फिलहाल, और कुछ आपको यहाँ पे न्यू ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस अपडेट यहाँ पे कर दिया गया है। तो कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं बट ऐसा कुछ खास फ़र्क आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। उसे GCam आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना। ऑडियो इफेक्ट्स का अभी भी प्रॉब्लम है, FM काम कर रहा है, गैलरी नॉर्मली मिलती है, ओके गूगल का बग अभी भी देखने को मिल जाता है। और गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है। और बैंकिंग ऐप को लेकर के प्रॉब्लम मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी नेट भी बाय डिफॉल्ट पास आती है। जैसे कि प्ले स्टोर ही देखोगे, प्ले स्टोर सर्टिफाइड आता है, जो सेफ्टी नेट है इसकी पास रहने वाली, तो उसको लेकर के कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगा, अच्छे तरीके से बैंकिंग ऐप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉलिंग की अगर बात करें तो वॉल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग काम करता है, एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी यूज़ कर पाओगे, और इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे अच्छे से काम करे, उनमें कोई दिक्कत नहीं मिलता। एंटूटू स्कोर 426,867 मिला है, पिछले में 429,000 था, जो कि सिमिलर मिल जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे CPU थ्रोटलेट तो 92% मिला है, पिछले में भी 92% ही देखने को मिला था। एंड गीगबेंच स्कोर में सिंगल स्कोर 503 आया, मल्टी स्कोर 2181 आया, पिछले में सिंगल स्कोर 499 था और मल्टी स्कोर 2189 है, जो कि बिल्कुल आसपास सिमिलर ही है एक तरीके से। और गेम स्पेस हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, गेम स्पेस आपका पहले जैसा है। अगर हम ग्राफिक की बात करते हैं गेम की, तो गेम की ग्राफिक भी जो पहले मिला करती थी वही सेम रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस जैसे पहले मिला करती थी वही है परफॉर्मेंस, वैसे अच्छी ही रहती है परफॉर्मेंस में, ऐसा कोई मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिला है। तो पहले जैसा ही परफॉर्मेंस भी रहने वाला है, इसके अंदर भी ऐसा कोई फ़र्क देखने को हमें नहीं मिला है, पहले जैसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती थी। जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं इसके अंदर वही आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये वीकली अपडेट इसके आते हैं, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होता। अगर हम देखते हैं एक दो अपडेट का भी अगर छोड़ के रिव्यू करते हैं तो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली इस बिल्ड के अंदर में। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।